Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bada bad jaye shukriya. Appreciate it. Bismillahirrahmanirrahim. Muazziz Qaideen-e-Kiram, Muazziz Arakeen-e-General Council, Abhi Khwaja Sahab ne apni guftugu mein kaha tha, Khwaja Saad Rafiq ne apni guftugu mein kaha tha के बार बार कोशिश होती रही नवाज शरीफ को सियासत से बेदखल करने की। ख्वाजा साद रफीक ने यह बात कही थी। मैं सोच रहा था कि मैं भी कैसा आदमी हूं, मैं भी क्या चीज हूं कि मुझे बार बार कोशिश की जाती रही बेदखल करने की और आप बार बार मुझे दाखिल करवाते रहे। आज भी अल्लाह के फजलो करम से आप मुझे फिर दाखिल कर रहे हैं। अब आप बैठ जाएं, अब नारे बंद करें प्लीज, अब नारे बंद करें और बैठ जाएं, अब नारे बैठ जाएं, वरना ये वक्त नारों में गुजर जाएगा। प्लीज प्लीज बैठ जाएं। आज लगता है कि ये शेरों की और शायरी की महफिल है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, फिर ख्वाजा साद रफीक से रहा नहीं गया, उन्होंने जवाबी शेर सुनाए आपको, मुझे याद आ गया है। मुझे भी एक शेर याद आया है, बड़ा पुराना, वो है दिल बुग्ज़ो हसद से, दिल बुग्ज़ो हसद से रंजूर न कर, दिल बुग्ज़ो हसद से रंजूर न कर। मेरे दिल में भी गुस्सा है, अगर मैं कहूं कि गुस्सा नहीं है तो फिर ये मुनाफ़कत है, मुनाफ़कत मुझे आती नहीं है। मैं मुनाफ़कत पसंद नहीं करता और मैं मुनाफ़कत से नफरत करता हूं, इसलिए दिल बुग्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। अपने दिल की बात कर रहा हूं, दिल बुग्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीने की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। ये असूल सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए, ये असूल पूरी मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए। आज के इस जनरल काउंसिल का भी यही असूल होना चाहिए
और मुस्लिम लीग के एक एक कार कसूर होना चाहिए। और फिर मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अपनी अपनी मंजिल हम हासिल करेंगे। ये असूल आपके पेशे नजर अपने दिल के अंदर ये असूल बिठा लें, फिर देखें इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला फतह से हम किनार फरमाएगा। आज का दिन वो कानून को हम दोबारा वापस लौटा रहे हैं उस डिक्टेटर मुशर्रफ को जिसने नवाज शरीफ का रास्ता बंद करने के लिए कानून किया था। इससे पहले यही कानून अयूब खान ने नाफिज किया था, फिर मुशर्रफ ने नाफिज किया और आज हम उसको वापस लौटा रहे हैं। आप सबको कौमी असेंबली में उन तमाम लोगों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को, तमाम कौमी असेंबली के मेंबरान को, उन तमाम सेनेट के मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने ये कानून दोबारा उसके मुंह पर मारा है। कितनी दफा अभी खयाज साद रफीक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तुम ते जाओ ये आवाम नवाज शरीफ को दोबारा दाखिल करते जाएंगे। समझ नहीं आती ये भाई। नहीं नहीं नहीं, कोई नारा नहीं, कोई नारा नहीं, प्लीज कोई नारा नहीं। आप भी बातें बंद करें, ये बातें बंद करें भाई, ये बातें बंद करेंगे तो फिर तकरीर नहीं होगी। और आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप फिर भरपूर कुव्वत के साथ नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है, हमने खलूस के साथ अपने मुल्क की खिदमत की है, पूरे खलूस के साथ, और कोई लालच नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, और किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह हमने गलत काम नहीं किया। ये तो आप जानते हैं कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई किया है तो उसकी क्या वजह है, मुझसे ज्यादा ये आप जानते हैं। आप, मैं अभी चंद अल्फाज मैं आपके सामने पेश करूंगा। ठहरे ठीक है, लेकिन बिलाशुबा आपने मुझे बहुत बड़े एजाज से एक दफा है, 70 बरस के नशेब व फराज और हर तरह के हरबों के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी और सबसे मकबूल। उन लाखों लोगों का, उन लाखों नौजवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का, अपनी माओं का, बहनों का मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं जो मेरे 4 दिन के सफर में मेरे रास्ते में मेरे साथ साथ रहे और रास्ते में मुझे मिले। कोई नेमुल बदल नहीं है उनका। मैं दिली यार इनको चुप करा दे, बरखुरदार अब नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस से शुक्रिया अदा करूं। उनके लिए दुआ कर सकता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस कुव्वत को, मुस्लिम लीग की कुव्वत को पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए, इन बच्चों को हम इज्जत रोजगार दे सकें, इन नौजवानों को हम बाइज्जत रोजगार दे सकें। ये पाकिस्तान के बड़े एजाज वाले शहरी बने, इस मुल्क की खिदमत करें और इस मुल्क में अपना हिस्सा डालें। और आज यहां पर गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, फाटा
और मजबूती की सब इलामत है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, केपीके से यहाँ सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी भरपूर नुमाइंदगी है। मेरी दरख्वास्त है, जहाँ आपने मुझे इस एजाज से नवाजा है, वहाँ मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ये भारी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला इन मुश्किलों का, इन परेशानियों का जवां मर्दी के साथ सामना करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जमात की मजबूती के साथ साथ वतन अजीज की सलामती और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल काउंसिल, तारीख बताती है ने कितने मुश्किल और किस कदर कठिन हालात में आजादी की जंग लड़ी और जीती, इसे कैसी कैसी कुव्वतों से लड़ना पड़ा, लेकिन मिशन की सच्चाई और मकासद की लगन के सामने कोई कुव्वत ना ठहर सकी। पाकिस्तान एक अजीम हकीकत बन के अभी कोई 1.5 माह कबल, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमने आजादी की 70वीं सालगिरह मनाई। 70 बरस हो गए बने हुए और अभी हमने हाल ही में उसकी सालगिरह मनाई है 14 अगस्त को। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों और बहनों कि आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत की हैसियत से एक मजबूत मुल्क की हैसियत से कायम है। और जो एटमी कुव्वत बनाते हैं मुल्कों को, यहाँ मुल्क के अंदर आपने देखा उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या हाल उनका होता है, फांसियां दी जाती हैं, मुल्क बदर किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। और आज ये दिन भी आप देख रहे हैं कि जब पनामा, पनामा नहीं अकामा पे वजीर आजम को निकाल दिया जाता है। पनामा, अगर पनामा में कुछ भी, अगर पनामा में कुछ नहीं मिला था तो यार कौम को साफ साफ बता देते कि हमें पनामा में नहीं मिला भाई, हम अकामा में करने लगे हैं इसको। ये पनामा जो है, इन्हें कौम बोलना चाहिए था, कौम से साफ साफ बात करनी चाहिए थी कि हाँ नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, एक पैसा भी नाजायज तरीके से नहीं कमाया और सरकारी रकम में खुर्द बुर्द नहीं की, उसका कोई खुर्द बुर्द का, करप्शन का, रिश्वत का केस नहीं है उसके खिलाफ। पनामा आया था लेकिन पनामा में भी कुछ नहीं है, लिहाजा हमारे पास और कोई चारा नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का। हम लेकिन अकामा है और हम अकामा पे नवाज शरीफ को निकाल रहे हैं। किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा ये मुल्क? 70 साल से इस मुल्क के साथ यही कुछ होता रहा है, होता रहा है या नहीं होता रहा, बताओ मुझे जरा, पुल के ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी।
ये खेल तमाशा 70 सालों से होता चला है और आज भी हो रहा है। अल्लाह ताला हमेशा इस मुल्क को कायम और दायम रखे। लेकिन इस हकीकत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि आजादी एक कीमत मांगती है। आजादी एक कीमत मांगती है। दुनिया की अकवाम में सर बुलंद हो जीना है। बोलो, सर बुलंद होकर जीना है ना, तो हमें उसकी कीमत देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आजादी तदब्बुर, हिकमत और कोशिश से मिलती है और तदब्बुर, हिकमत और कोशिश से बरकरार भी रहती है। आजादी के तहफ्फुज और कौमी वकार का पहला तकाजा यह है कि हम अपने माजी पर नजर डालें, अपनी कोताहियों और लफ्जों का जायजा लें, गौर करें कि वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से हम आधा मुल्क गवा बैठे। मशरकी पाकिस्तान याद है या नहीं याद है? गौर करें कि हम आधा मुल्क क्यों गवा बैठे, वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से मुल्क बोरानों का शिकार होता रहा, वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से हम अपने साथ या अपने आसपास आजाद होने वाले ममालिक से कोसों पीछे रह गए। अलामा कहते हैं, सूरत शमशीर है दस्ते कजा में, वो करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। यानी वो कौम तकदीर के हाथ में एक तलवार की मानिंद है, इसका तर्जमा, वो कौम तकदीर के हाथ में एक तलवार की मानिंद है जो हर जमाने में वक्त के बदलते तकाजों के मुताबिक अपने अमल का जायजा लेती है। जायजा, हिसाब या खुद एहतसाबी, इसी से अपनी इज्तमाही गलतियों का अंदाजा भी होता है और उन्हें सामने रखते हुए अपने तर्ज अमल में इस्लाह भी की जा सकती है। इसी को अपना घर ठीक करना कहते हैं। दुनिया की सारी जिंदा कौमें बदलते हुए तकाजों के साथ अपने अमल का जायजा लेती हैं और अपना घर ठीक करती रहती हैं। अपनी पॉलिसीज बदलती और अपनी हिकमत अमली तब्दील करती रहती हैं। और जो कौमें, ये गौर से सुने, जो कौमें बदलते तकाजों को नजरअंदाज करती हैं और अपनी पुरानी रविश पर अड़ी रहती हैं, वक्त उनका इंतजार आगे निकल जाता है। इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पे उड़ना, तर्जे कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। हमारी कौमी जिंदगी में ऐसे बहुत से मरले आए कि हम अपने अमल का हिसाब, अपनी गलतियों की इस्लाह करते और अपने तर्ज कोहन यानी पुराने तौर तरीके पर अड़े रहने की बजाय नए हालात और नए तकाजों से रहनुमाई लेते। लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं हुआ। ढाका जैसे साने कौमों को हिला कर रख देते हैं, उनकी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन किस कदर दुख की बात है, किस कदर दुख की बात है कि हम सुकूते ढाका के बाद भी वही कुछ करते रहे जो सुकूते ढाका से पहले करते रहे हैं।
या जो सबूत ढाका के सबब बने थे, हमने इतने बड़े सानिया से भी कुछ नहीं सीखा। लेकिन मेरी अजीज बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात का सरबराह होते हुए और 3 बार अवामी मैंडेट से वजारत उज़्मा का मनसब हासिल करने के बावजूद मुझे अवाम की नुमाइंदगी करार बस ये किसी करप्शन या बदनवानी के जुर्म में नहीं, ये किसी करप्शन या बदनवानी के जुर्म में नहीं, इस जुर्म में कि नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। क्या सुना आपने? क्या सुना? नवाज शरीफ ने अपने बेटे से, लिहाजा नवाज शरीफ नाअहल। किसी मुल्क में कभी ऐसा होते देखा है आपने? ऊपर वाले बताएं, किसी मुल्क में आपने ऐसा होते सुना है? किसी मुल्क में ऐसा होते हुए देखा है? नीचे वाले बताएं, कभी सुना है? कभी देखा है? भाई वो इस बात की भी तहकीक कर ले, वो इस बात की भी तहकीक करने के वजारत उज़्मा की तनख्वाह भी मैं लेता हूं या नहीं। मैंने वुकला के कन्वेंशन में 12 सवाल किए थे, उनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। ये सवाल मेरे साथ होने वाले इंसाफ की बयान कर रहे हैं। सवालों का जिक्र चला है तो मैं एक और सवाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल, आप जानते हैं कि तमीजुद्दीन नजीर भुट्टो शहीद केस के हालिया फैसले तक कैसे कैसे फैसले सामने आए? इन फैसलों मेरा अजीम फैसला भी शामिल है, क्योंकि मैंने अपने बेटे की कंपनी नहीं ली थी, इसलिए समीन नहीं और नाअहल करार पाया। ऐसे ही फैसले से एक मकबूल वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बारे में फैसलों की एक लंबी कतार है, लेकिन चारों डिक्टेटर्स की आईनी ही नहीं करार दिया गया, बल्कि उनकी गैर मशरूत वफादारी के हल्फ भी उठाए गए, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर उठाए गए। आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले सादिक भी रहे और उनके 33 साल इक्तदार के दौरान कोई एक भी ऐसा काम नहीं जिसका आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस लिया जाता।
उनकी गैर आइनी इकदाम के लिए कोई जवाब न मिला तो नजरिया जरूर ईजाद कर लिया गया। काश कोई नजरिया जरूर अवाम के हक की हुक्मरानी, उनके वोट की हुरमत, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए भी ईजाद कर लिया जाता। ये है हमारी तारीख। अभी मैं आपके सामने 70 साल तारीख की बात कर रहा था। ये है वो 70 साल तारीख। ये तारीख खुद बोल रही है, खुद बोल रही है, बता रही है कि हमारा मसला क्या है, बता रही है कि इस मसले ने हमें किस हाल से दोचार कर दिया है, समझा रही है कि अगर हमें इस बेढंगी चाल को बदलना है तो हमें क्या करना होगा। अगर आज भी हमने अपने आप को संभालने और हालात कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं आपको कि हमने हालात को बदलने की कोशिश ना की पाकिस्तान भी हमें माफ नहीं करेगा। आप बोलो, अरे भाई बैठे बैठे रहे, आप बोले कि क्या इन हालात को बदलने की कोशिश आप मेरे साथ मिलकर करेंगे? अल्लाह ताला उन कौमों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती हैं। आपको पता है ये शेर, ये भी इकबाल का है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली तो ख्याल अपनी हालत के अपनी ना, जिसको हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस मकसद के लिए मैंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज पेश की है। इस कौमी मुकालमे का बुनियादी नुक्ता यही है कि जमहूरी आइन रखने वाली एक जमहूरी रियासत के तौर पर अवाम का हक के हुक्मरानी बहाल किया जाए। हमारे दस्तूर के मुताबिक हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। ये हक के हाकमियत जमीन पर अवाम के पास एक मुकद्दस अमानत है। इस अमानत में खयानत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हुकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दें। इक्तदार के आवानों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले दरवाजों की कुंजी सिर्फ 20 को अवाम के पास हो। वही फैसला करें कि कौन उनके मेयार पर पूरा उतरता है और कौन नहीं। अरे मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ अवाम के सामने जवाबदेह हों। कानूनी मोचगा अवामी मैंडेट की तौहीन न की जाए। बैठ जाए, बैठ जाए कारकुन। इस सब मेरे आप मेरे सब जान से प्यारे कारकुन हैं, जान से भी प्यारे कारकुन हैं। इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह काम खवातीनों हजरात मैंने हमेशा कहा है कि मैं इक्तदार नहीं अकदार की सियासत पर यकीन रखता हूं कि हुक्मरानी जमहूरी निजाम के इस्तेकाम कौमी सलामती और अवामी राय के एहतराम के लिए हम सब एक हो जाए। मैंने और मोहतरमा ने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए। इसी जज्बे के तहत 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तावुन किया। अकदार की सियासत ही थी कि अदलिया के लिए हमने इक्तदार छोड़ दिया। ये जज्बा था कि मैंने आजाद कश्मीर के वजीर आजम यहां पर कि हुकूमत के खिलाफ
पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद रोक दी और यही जज्बा था कि तारीख में पहली मर्तबा मैंने रुख्सत होने से पहले सदर जरदारी को वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाइया दिया। हमने किसी के मैंडेट में आज तक कोई रखना नहीं डाला और खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तरपते हुए हमने पीटीआई को हुकूमत बनाने की मुकम्मल आजादी दी। मैं पुख्ता यकीन रखता हूं कि जमहूरियत की मजबूती का सिर्फ यही रास्ता है। हर इंसान की तरह सियासतदानों से भी गलती हो सकती है, सियासी जमातें भी ठोकरें खाती हैं, लेकिन इन गलतियों और ठोकरों को नज़ीर बना लेने से मुल्क की मफाद को शदीद नुकसान पहुंचता है। हमें इनको नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान और 20 करोड़ अवाम की खातर हमें नफरतों, इल्जामात और तसादुम का कल्चर खत्म करना होगा। हर तरह की मुश्किलात के बावजूद हमने वतन अजीज की हर मुमकिन खिदमत करने की कोशिश की। अल्लाह के फजलो करम से आज का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है? कहीं ज्यादा रोशन है और मजबूत और तवाना है। लोड शेडिंग आखिरी हिचकियां ले रही है और सीपैक मुल्क की तकदीर बदलने जा रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रहा था। गैर जानबदार आलमी मुबसर और इदारे भी हमारी इकतसादी तरक्की और इम्कानात की तारीफ कर रहे थे, लेकिन हालिया फैसले और उसके नतीजे में शुरू होने वाली कार्रवाइयों ने इस सारी पेशरफ्त पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। यह इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि कहा जा सकता है कि ऐसे फैसलों और इस तरह की कार्रवाइयों की कितनी भारी कीमत मुल्क और कौम को अदा करनी पड़ती है। ख्वातीनों हज़रात, हमारे लिए तस्कीन और इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मई 2013 से लेकर लाहौर के हलका 120 के इंतखाबात तक हर मरहले में इंतखाबात में उन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 2018 में मुस्लिम लीग नून 2013 के मुकाबले में इंशाल्लाह और भी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और हम अपने इस अज़्म को जारी रखेंगे। ।2018 में अवाम अपने वोट के अहल कौन है और नाअहल कौन है। आज खुदा करे ये मुल्क फलता फूलता रहे, ये बिजली के मंसूबे मुकम्मल होते रहें, इस मुल्क के अंधेरे दूर होते रहें, मोटरवे मुकम्मल होती रहे, हजारा मोटरवे मुकम्मल होती रहे, बलूचिस्तान की हाईवेज मुकम्मल होती रहें, कच्ची अमन का गहवारा बनता रहे, दहशतगर्दी दम तोड़ती रहे, कच्ची कनाल बलूचिस्तान की जमीनों को सराब और आबाद करती रहे, फाटा करता रहे, लवारी टनल भी आबाद रहे, गिलगित स्कर्दू शाहराह तकमील के मराहिल से गुजरती रहे और खुदा करे आपका सीपैक भी आबाद रहे, आजाद कश्मीर की तरक्की की रफ्तार और तेज हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बजट में बहुत इजाफा किया है। मुजफ्फराबाद मीरपुर दीना हाईवे की तामीर शुरू हो और कराची लाहौर मोटरवे भी मुकम्मल हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर रहे।
और पाकिस्तान पाकिस्तान दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर ना